एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को बदलते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्रिया द्वारा सब्जेक्ट को प्रधानता प्रदान की जाती है, यानी कि जैसे एक वाक्य है, यहाँ पर देखो हम इससे समझेंगे इसको, मोहन किल्स स्नेक। इसमें वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, किल्स करने का, कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है, वो सब्जेक्ट है, ठीक है। और उसने किसको मारा, स्नेक को, तो सब्जेक्ट हो गया मोहन, वर्ब हो गया किल्स और ए स्नेक हो गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो मोहन है वो एक्टिव मोड में है, एक्टिव में है, तो यहाँ जो किल्स है वो एक्टिव वॉइस कही जाएगी, तो इसको हम एक्टिव वॉइस में कहेंगे। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो क्रिया होती है वो द्वारा कर्म को जो है प्रधानता प्रदान की जाती है, क्रिया द्वारा कर्म को प्रधानता प्रदान की जाती है। तो अब यहाँ पर देखो, ये कर्म था, ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं ना, तो कर्म जो है वो यहाँ शुरू में आ जाता है, और जो सब्जेक्ट है वो हम ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो अब ये कैसे हो गया, अ स्नेक इज किल्ड, किल्स है, तो ये प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है, इसलिए हम इसको इज लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी उसी प्रकार से इस्तेमाल होती है पैसिव वॉइस बदलने में। और यहाँ पर हमेशा जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो किल्ड बाय मोहन, तो ये पैसिव वॉइस हो गया। अब हम आगे देखेंगे, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं और पैसिव वॉइस में केवल 8 टेंसेस की बनाई जाती है, पैसिव वॉइस सभी टेंसों की नहीं बनती है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वाक्य कैसे बनते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो दे प्ले अ हॉकी, दे है प्लूरल पर्सन है, उसके साथ प्लेज नहीं होगा, प्ले होगा। हमने पहले वाले वीडियोस में जब हमने टेंसेस पढ़े थे तब पढ़ा है कि जब प्लूरल होता है तो उसमें वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। तो दे प्ले अ हॉकी मैच, उन्होंने एक हॉकी मैच वे एक हॉकी मैच खेलते हैं। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो ये हॉकी मैच यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दे क्या है, सब्जेक्ट, और यहाँ वर्ब क्या है, प्ले, है ना। प्ले जो है हम पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनेट का वाक्य है, तो अब इसको हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे पैसिव वॉइस में। तो ए हॉकी मैच इज प्लेड, वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज होगी क्योंकि ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट का सेंटेंस है, इज प्लेड, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगा, प्लेड बाय देम, और दे बदल जाता है पैसिव वॉइस में देम में, किसमें बदल जाता है, देम में, दे बदल जाता है देम में, ठीक हो गया। तो दे प्ले अ हॉकी मैच, ए हॉकी मैच इज प्लेड बाय देम। अगर ये पास्ट में होगा, दे प्लेड अ हॉकी मैच, पास्ट में एक्टिव वॉइस है, उन्होंने एक हॉकी मैच खेला था, तो ए हॉकी मैच वॉज प्लेड बाय देम, उनके द्वारा एक हॉकी मैच खेला गया, तो ये पास्ट टेंस हो गया। अब इसमें हमने देखो यहाँ पर प्लेड है, वर्ब जो है वो पास्ट फॉर्म में है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब लाए हैं, वॉज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लेड हमने यूज किया है सेंटेंस में, तो हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज लाई है, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, प्ले की, प्लेड बाय देम, ए हॉकी मैच वॉज प्लेड बाय देम, सेकेंड फॉर्म भी प्लेड होती है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। और अगर हम फ्यूचर टेंस में इसी वाक्य को देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, सिंपल टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हम इसमें सिंपल फ्यूचर टेंस, तो हम इसमें देखेंगे एक्टिव वॉइस जो है वो क्या चेंज, कैसे बदल जाएगा, दे विल प्ले अ हॉकी मैच, है ना, और इसमें विल लग गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, जो फ्यूचर टेंस में हमने पहले पढ़ रखा है, तो वे एक हॉकी मैच खेलेंगे, गे लग जाता है ना, ए हॉकी मैच वो विल बी प्लेड बाय देम, एक हॉकी मैच उनके द्वारा खेला जाएगा, ठीक हो गया। तो अब इसमें हमने फिर वही चीज देख ली, ए हॉकी मैच, हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, एक हॉकी मैच, अब ये हमारा फ्यूचर टेंस का वाक्य है, तो इसमें हम विल बी लगाएंगे, फ्यूचर टेंस जब बना रहे हैं
सिंपल फ्यूचर टेंस तो हम इनडेफिनेट है ये, और सिंपल भी बोलते हैं इसको, तो हम इसको विल बी यूज करेंगे. विल बी फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय देम. ठीक है, अ हॉकी मैच विल बी प्लेड बाय देम. अब यही एक और वाक्य हम देख लेते हैं इसमें. द पियॉन रिंग्स द बेल. पियॉन एक घंटी बजाता है, तो द बेल इज रंग बाय द पियॉन. बेल पियॉन के द्वारा बजाई गई, तो ये पैसिव वॉइस हो गया. तो इसमें पियॉन जो है वो सब्जेक्ट है, वो काम कर रहा है रिंग्स का, घंटी बजाने का. तो यहाँ पर रिंग्स है सिंगुलर पर्सन के साथ, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं, ये हमने पहले देखा हुआ है, हम उसको रिविजन के लिए दोबारा कह रहे हैं. तो द बेल, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बेल है. तो हम द बेल को पहले लाएंगे जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह. अब ये प्रेजेंट का फॉर्म सेंटेंस है, इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर पर्सन है. अगर यहाँ प्लूरल पर्सन होते और तो हम यहाँ आर लगाते. और रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रंग, RUNG. तो थर्ड फॉर्म रंग, फिर बाय हम यूज करते हैं पैसिव वॉइस बनाते वक्त, बाय द पियॉन. और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया, बाय द पियॉन. और यही अगर पास्ट टेंस में है, द पियॉन रंग द बेल. पियॉन ने घंटी बजाई बजाई, द बेल वॉज रंग बाय पियॉन. बेल पियॉन के द्वारा बजाई गई थी. तो अब यहाँ पर हमारा वही चीज है जैसे पहले बना है, लेकिन यहाँ पर हमने पास्ट टेंस है हमारा, ये रंग रिंग रंग रंग सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर रंग यूज किया गया है सेकंड फॉर्म. और यहाँ पर हमने क्योंकि ये पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाएंगे. किसके बाद, जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है, पैसिव वॉइस में है. ठीक है, तो द बेल वॉज रंग बाय पियॉन, बाय लगाकर ही उसको जोड़ेंगे, बाय पियॉन. अब अगर ये फ्यूचर टेंस में है, द पियॉन विल रिंग द बेल. पियॉन घंटी बजाएगा, द बेल विल बी रंग बाय द पियॉन. बेल पियॉन के द्वारा बजाई जाएगी, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है तो जाएगी, तो यहाँ पर विल बी यूज हो गया पैसिव वॉइस में. तो द, और यहाँ पर विल है तो विल हमने लगाया है फ्यूचर टेंस के कारण, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, इंडेफिनिट टेंस की, तो हम वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं इसके साथ जब हम एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे. और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को हमने पहले ले आए, द वेल विल बी हो जाएगा रंग, रिंग की थर्ड फॉर्म रंग बाय द पियॉन. अब ये अगर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर और ING फॉर्म लगती है प्रेजेंट टेंस में. तो एक्टिव वॉइस में है, द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड. किसान एक खेत को, मतलब किसान खेत को जोत रहा है. ING रहा है क्यों लिखा है, क्योंकि ING फॉर्म लगी है और इज है, तो जब भी ING फॉर्म वर्ब में लगेगी और इज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का होगा, तो रहा है लगेगा. किसान खेत जोत रहा है, एक्टिव वॉइस में हो गया. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, फिर से वही हमको पता है, द फार्मर वो सब्जेक्ट है. कहाँ क्या काम कर रहा है, वर्ब क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, प्लोइंग और द फील्ड. अब ये एक्टिव वॉइस में है क्योंकि फार्मर जो है वो यहाँ पर एक्टिव मोड में है. अब हम इसको द फील्ड जो है, जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट की जगह ले आए हैं, और अब हम जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे ING फॉर्म को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, तो वो पैसिव वॉइस में होगा, द फील्ड इज बीइंग प्लोड. द फील्ड इज बीइंग प्लोड बाय द फार्मर. तो इस बीइंग लगेगा जब ING कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है और उसका पैसिव वॉइस बनाना है, और इज और ING फॉर्म लगा हो. तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज बीइंग फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लोड बाय द हमको बाय से ही जोड़ना है, बाय द फार्मर जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो गया. और वैसे ही ये पास्ट में अगर कंटिन्यूअस टेंस में है, द फार्मर वॉज प्लोइंग द फील्ड. किसान खेत जोत रहा था. ठीक है, तो ये पास्ट टेंस कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया. अब अगर ये पैसिव वॉइस में, द फील्ड वॉज बीइंग, बीइंग यहां पर भी लगेगा,
क्योंकि कंटिन्यूअस है, वॉज लगा हुआ है, पास्ट का है, और प्लोड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय द फार्मर। और अगर इसका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो इसका पैसिव वॉयस नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉयस नहीं बनता है। वैसे ही हम फिर से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य देखते हैं, एक्टिव वॉयस शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर, वह एक गाना गा रही है, एक गाना उसके द्वारा गाया गया। तो एक्टिव वॉयस में हमने वही चीजें हैं, सेम चीज, तो हम एक सॉन्ग अब इज बीइंग हम लगा देते हैं आईएनजी फॉर्म में, और सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है, बाय बाय से हम उसको जोड़ेंगे, शी को हम बदल देते हैं किसमें, हर में, पैसिव वॉइस में शी का हर बदल जाता है, तो शी की जगह हम हर लिखेंगे, सॉन्ग इज बीन संग बाय। और एक और इसमें, अगर ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट कंटिन्यूअस की, तो शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गाना गा रही थी, अ सॉन्ग वॉज बींग संग बाय हर, एक सॉन्ग उसके द्वारा गाया गया था। तो यहाँ पर फिर वही कंटिन्यूअस की बात हो रही है, इसलिए बींग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है शी वो चेंज हो जाएगा हर में, जैसे यहाँ पर हुआ था। अब इसका फ्यूचर टेंस नहीं बनता है, ये हमने देख लिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य को देखते हैं, तो इसमें हमको पता है परफेक्ट टेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें हैज का हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करते हैं, और ये हमने टेंस चार्ट में आप देख सकते हो, टेंस में हमने पूरा पढ़ा है नियम इसके। तो ही हैज ईटन एन एप्पल, उसने एक सेब खाया है, ही हैज ईटन एन एप्पल माने उसने एक सेब खाया है, तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, हैज ईटन वर्ब हो गई, एन एप्पल ऑब्जेक्ट हो गया, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब ईटन है। अब हमने इसको ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले आ रहे हैं पैसिव वॉइस में, पीवी माने पैसिव वॉइस, एन एप्पल हैज बीन, हैज का हैज लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट परफेक्ट की, हैज बीन ईटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, बाय बाय लगाएंगे, ही का हिम में बदल जाएगा। और ऐसी एक एक वाक्य और है, आई एम नॉट रिटर्न अ लेटर, आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर, तो यहाँ पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, अ लेटर हैज नॉट बीन रिटर्न बाय मी, यहाँ आई के साथ हैव लगा है क्योंकि आई के साथ हैव का यूज होता है और नेगेटिव वाक्य है इसलिए नॉट लगा है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, ये हमने पहले रूल सारे पढ़े हुए हैं टेंस में। आई हैव नॉट रिटर्न अ लेटर, मैंने एक पत्र नहीं लिखा है, और एक पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो ए लेटर हैज नॉट बीन रिटर्न बाय मी, ये पैसिव वॉइस में हो गया। इसको हमने ए लेटर को हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिया, और अब ये सिंगुलर पर्सन है, लेटर एक सिंगुलर चीज है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो उसके साथ हैज का यूज करेंगे, आई के साथ हैव लगाते हैं, यहाँ पर हैज लगाएंगे, ये कोई कठिन काम कठिन बात नहीं है, इसको तुमने पहले पढ़ रखा है टेंस में देखा है तो तुम्हें इसको आसानी से समझने में समझ आएगा। फिर नॉट बीन, यहाँ पर बीन लग जाएगा जब हम पैसिव बनाते हैं, बीन जैसे यहाँ पर बीन लगा था वैसे ही बीन लगेगा, रिटन बाय मी। अब यही वाक्य एन एप्पल हैज बीन, ही हैज ईटन एन एप्पल, अगर पास्ट में बोलते हैं तो ही हैड ईटन एन एप्पल, हैज की जगह हैड हो गया, बाकी वही चीज लगेंगी, उसने एक सेब खाया था, ठीक है। अब ये अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, बता दिया है हैड का हैड ही यूज होगा, पास्ट टेंस में हैड ही यूज होगा, चाहे उसका एक्टिव वॉइस हो पैसिव वॉइस हो, तो हैड और बीन लग जाएगा, ईटन बाय हिम, ही का हिम बदल जाएगा, ही किसमें बदल जाता है, हिम में, तो एक सेब उसके द्वारा खाया गया था, एक सेब उसके द्वारा खाया गया था, हिम उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। और अगर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है तो ही विल हैव ईटन एन एप्पल, ही विल हैव ईटन एन एप्पल माने उसने एक सेब खाया होगा, है ना, फ्यूचर में तुम्हें पता है हेल्पिंग वर्ब विल लगती है, और ये परफेक्ट की बात हो रही है इसलिए हैव लगेगा, है ना, ही विल हैव, इसमें हैव विल हैव ही लगता है हर शब्द के साथ, कोई भी पर्सन हो विल हैव लगेगा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एन एप्पल एक्टिव वॉइस में लगा है, अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एन एप्पल पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में, और विल हैव
बीन लग जाएगा, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिर्फ बीन लग जाएगा, बाकी वही है ईटन, फिर बाय बाय हिम, ही का हिम हो जाता है, एक सेब उसके द्वारा खाया गया होगा। अब हमने ये नेगेटिव एक बाकी यहां पर देखा था, आई हैव नॉट रिटन लेटर, अब पास्ट में क्या जाएगा, आई हैड नॉट रिटन लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा था, आई हैड नॉट रिटन लेटर, एक्टिव वॉइस में हो जाएगा। अब एक्टिव वॉइस में अगर हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, फिर ये लेटर को पहले लाएंगे, हैड हैड की जगह होगा क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की, हैड हैड ही लगेगा चाहे एक्टिव में हो पैसिव में हो। फिर उसके बाद नॉट है, नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस, इसे नॉट लगेगा, फिर बीन लगेगा, रिटन बाय मी, आई का मी हो जाएगा, आई हमारा मी में चेंज हो जाएगा, अ लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाय मी। और अगर ये फ्यूचर टेंस में, आई शेल हैव नॉट रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा होगा, आई शेल हैव नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है, आई के साथ शेल का इस्तेमाल करते हैं हम, ये हमने पहले रूल पढ़ा हुआ है, और उसके साथ हैव तो विल के साथ भी, शेल के साथ भी लगेगा, यहाँ पर जब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो आई शेल हैव नॉट नकारात्मक वाक्य है तो नॉट लग गया है, रिटन अ लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा होगा। अब इसका क्या बन गया, ए लेटर विल हैव नॉट बीन रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र नहीं लिखा गया होगा, ठीक है, एक पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखा गया होगा। तो अ लेटर की जगह आ गया, अब लेटर जो है उसके साथ विल लगाएंगे, आई के साथ शेल लगाते हैं, तो लेटर सिंगुलर पर्सन, उसके साथ विल लगाते हैं, तो हम यहाँ तब हमने विल लगाया है, ठीक है, इसलिए विल आया है यहाँ पर। और हैव नॉट तो हैव नॉट ही लगेगा, फिर बीन लग रहा है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, बीन रिटर्न माई बाय आई का मी हो जाएगा, रिटर्न बाय मी, तो ये तुम्हें समझ में आया होगा। अब हम परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आता है, तो इनके पैसिव वॉइस नहीं बनता, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। तो इस प्रकार से हमने यह देखा कि हर टेंस में कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस को हम चेंज करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि और कौन कौन से किस प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं उसको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं।